अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कुर्ती बनाना सिखाऊंगा, जिसमें हमने कॉलर और कुर्ता पट्टी बनाई है साइड वाली, और यहाँ पे हमने स्लीव में इसकी पट्टी लगाई है और दामन में हमने इसके बॉर्डर लगाया। चलिए आज देखते हैं किस तरह तैयार किया है। ये हमारे फ्रंट के दामन का बॉर्डर है और ये हमारा फ्रंट है। बैग हम बिछा लेंगे सबसे पहले। बैग हमने डबल की हुई है और हमारा सीधा साइड अंदर है। बैग पे हम निशान लगा लेंगे इसकी लंबाई का। यहां से हम 38 इंच पे इसका निशान लगा लेंगे और फ्रंट को इसके ऊपर हम सेट कर लेंगे। इस निशान से हम ऊपर से ये मिला लेंगे फ्रंट। यहां से हम इसे स्ट्रेट कर लेंगे, यहां से हम इसे थोड़ा सा डाउन कर लेंगे, यहां से हम इसे 7.5 इंच पे निशान लगा लेंगे आर्मोल का, और वेस्ट का 15 इंच पे और हिप्स का 25 इंच पे। ठीक है, ये हम कुर्ती बना रहे हैं लूज। ये हमारा मीडियम साइज है। अभी हम ये सीधे कर लेंगे। निशान हमने सीधे कर लिए, तो हम इसकी फ्रंट की लंबाई का निशान लगाएंगे। बैक का हमने 38 इंच पे रखा था, ठीक है, इसका हम 35 इंच पे रखेंगे। 3 इंच की हमारी नीचे पट्टी बढ़ती हुई लगेगी, ये इसका निशान भी हम सीधा कर लेंगे। अब इसके निशान लगा लेंगे। शोल्डर का निशान हम इसका 7.5 इंच पे लगाएंगे और चेस्ट का हम इसका 9.5 इंच पे, और वेस्ट का निशान हम इसका 10 इंच पे लगाएंगे, और हिप्स का निशान 11 इंच पे, और इसके दामन का निशान हम 12.5 इंच पे लगाएंगे, क्योंकि हमारा जो दामन का बॉर्डर है वो 25 इंच का ही है। ठीक है, तो हम इसके निशान सीधे कर लेंगे। यहां से हम इसे सीधा कर लेंगे। यहां से भी यहां से हम इसे शेप दे देंगे। इसे यहां से हम अंदर की तरफ डाउन नहीं करेंगे, ठीक है, रेडीमेड कुर्ती बना रहे हैं हम। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहां से हम दोनों को बराबर काटेंगे। यहां से हम सिर्फ फ्रंट काटेंगे, ठीक है, ये कटिंग हो गई हमारी। और हम इसको गले का निशान लगा के गले की भी कटिंग कर लेंगे। यहां ऊपर से हम इसे 3 इंच पे निशान लगाएंगे और यहां से 2 इंच पे हम शेप दे देंगे, और यहां से हम इसे 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे इसे, और यहां से 5 इंच पे। ये देखे, मैंने ये 1 इंच तकरीबन ऊपर रखा है इसे आर्मोल से, ठीक है, 5 इंच पे हम इसे निशान लगाएंगे और इसे हम सीधा कर लेंगे। इस निशान से इस निशान तक हम इसे मिला लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहां से हम इसे काट देंगे, यहां से सिर्फ हम एक साइड काटेंगे, ठीक है, ये ऊपर वाली साइड। इस निशान तक मैंने रोक लिया। इसकी बैक की भी कटिंग करेंगे हम। यहां से हम इसे 1 इंच पे निशान लगाएंगे और यहां से यहां तक हम इसे मिला लेंगे।
इसकी कटिंग कर लेंगे। हटा लेंगे और इसकी स्लीव्स भी छा लेंगे। ये स्लीव्स है हमारी, यहां से मैंने डबल किया हुआ है, यहां से इस तरह भी हम इसे डबल कर लेंगे। इसकी लंबाई का निशान हम लगा लेंगे, यहां से 19 इंच पे हम इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे और एक निशान हम इसके 4 इंच पे लगाएंगे। ठीक है, ये निशान हम सीधा कर लेंगे। अब यहां से हम इसे एक 7.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और यहां से 7 इंच पे, यहां से हम इसे शेप दे देंगे। ठीक है, और यहां से इस निशान तक हम इसे मिला लेंगे। इसकी कटिंग कर लेंगे हम। ये कटिंग हो गई हमारी, इसे हम हटा लेंगे और इसके हम शोल्डर जोड़ लेंगे। यहां पे हम इसे सिलाई लगा लेंगे, शोल्डर जोड़ लिए इसके। ठीक है, अब हम इसे नाप लेंगे कि हमारा कॉलर कितने इंच लंबा चढ़ेगा इसके। देखो 15 इंच है, तो हम इसका 15 इंच का कॉलर काट लेंगे। ये हमारी बुकरम है, यहां से हम इसे 2 इंच का निशान लगा लेंगे और यहां से हम इसे 7.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। ठीक है, और इसे हम शेप दे देंगे। यहां से हम इसे 1 इंच पे निशान लगा लेंगे। यहां से हम इसे इस तरह सीधा कर लेंगे इसे, और इसकी कटिंग कर लेंगे। हमने कॉलर की कटिंग कर ली, इसे हम कपड़े पे चिपका लेंगे। ये मैंने कॉलर चिपका लिया, इसे हम इस तरह डबल कर लेंगे और यहाँ पे ऊपर सिर्फ हम सिलाई लगाएंगे इसे, यहाँ साइडों पे नहीं लगाएंगे, सिर्फ ऊपर की साइड हम इसे सिलाई लगाएंगे। लगाने के बाद हम इसकी कटिंग करके सीधा कर लेंगे इसे। मैंने इसकी कटिंग करके सीधा कर लिया इसे। ठीक है, और यहाँ नीचे से भी मैंने इसकी कटिंग कर ली, आधा इंच के गैप छोड़ के दोनों पीसों की मैंने कटिंग कर ली बराबर। ठीक है, इसे हम शर्ट पे लगा लेंगे। अब ये हमारी सीधी साइड है। ठीक है, कॉलर को हम इस तरह इसके बराबर रख लेंगे, यहाँ पे हम इसे सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने कॉलर लगा दिया इस पे। ठीक है, अब इसे हम इस तरह सीधा करेंगे, यहां से हम इसे कपड़े को मोड़ के, ये हमने सिलाई लगाई है, सिलाई के बराबर हम इसे सेट कर लेंगे और यहाँ पे हम इसे तुरपाई कर लेंगे पूरी। मैंने तुरपाई कर दी। ठीक है, अब इसकी हम पट्टी तैयार करेंगे। ये 1 इंच चौड़ी पट्टी काटी है मैंने, 16 इंच लंबी है। ठीक है, इसे हम कपड़े पे चिपका लेंगे।
ये देखिए मैंने पट्टी चिपका ली थी, पट्टी चिपकाने के बाद मैंने इसे यहाँ से मोड़ दिया इस तरह, यहाँ से इस तरह भी मोड़ दिया और यहाँ से भी हमने इस तरह मोड़ लिया। ये दोनों बराबर पट्टियाँ हमने तैयार कर ली ऊपर की और नीचे की, ठीक है। अब इसे हम इस तरह रख लेंगे और यहाँ से इस तरह मोड़ लेंगे और यहाँ पे हम इसे सिलाई लगा लेंगे और दूसरी साइड पे भी इसी तरह हम सिलाई लगा लेंगे। मैंने सिलाई लगा दी इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, इसे हम सीधा कर लेंगे। दूसरी साइड पे हम इसी तरह सीधी कर लेंगे। ये देखिए मैंने सीधी कर ली दोनों नोक, ठीक है। अब इसे हम नाप लेंगे कि हमें इस पे कितनी इंच की पट्टी लगानी है। ये जो हमने कट लगा है यहाँ से हम इसे नापेंगे। ये देखिए 7 इंच आ रहा है हमारा, ठीक है, यहाँ कट से लेकर यहाँ तक। तो हम 7.5 इंच की इसकी पट्टी काटेंगे आधा इंच बढ़ती हुई, ताकि हमारा दबाव आ जाए इसमें। 7.5 इंच पे हम काटेंगे इसे और दूसरी पट्टी भी हम नाप लेंगे। हमारी दूसरी पट्टी भी 7.5 इंच की होनी चाहिए। अब हम इसे इस तरह डबल करके रख लेंगे। ये ऊपर वाली जो पट्टी होगी हमारी, इसका यहाँ से खुलेगा हमारा, ठीक है, और नीचे वाली का यहाँ से इसे इस तरह डबल कर लेंगे। यहाँ से बराबर मिला लेंगे हम ऊपर से और यहाँ पे हम इसे सिलाई लगा लेंगे नीचे। सिलाई लगा दी यहाँ पे, ठीक है। इसे हम शर्ट पे लगा लेंगे, इसे हम इस तरह खोल लेंगे। ये जो कट लगा हुआ है हमारा, ये सीधी साइड है हमारी, ठीक है, पट्टी की, और ये भी हमारी सीधी साइड है। तो ये जो कट लगा हुआ है कट के साथ हम इस पट्टी को इस तरह मिला लेंगे पट्टी का सेंटर, और ये जो सिलाई हमने लगाई है इसी सिलाई के बराबर में हम सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने सिलाई लगा दी इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अब पट्टी को यहाँ से हम इस तरह उठा लेंगे, और ये जो हमने कट लगा हुआ है यहाँ से, जो हमने सिलाई लगाई है यहाँ से यहाँ तक, हम इसे कट लगा लेंगे और इस साइड पे भी हम इसी तरह कट लगा लेंगे, ठीक है। ये दोनों साइड पे मैंने इसे कट लगा लिया और एक दबाव में इसका नीचे की साइड ले जाएंगे इस तरह, ठीक है। और ये ऊपर वाली पट्टी हटा लेंगे, नीचे वाली पट्टी को हम इस तरह खोल लेंगे और ये हमारा कच्चा है दबाव, इसे हम इस पट्टी के अंदर इस तरह दबा लेंगे, यहाँ पे हमारी फिक्स आ जाएगी पूरी इस तरह। इसे हम सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे लग के, और इस पट्टी पे भी इसी तरह हम इसे सिलाई लगा लेंगे इसका कच्चा अंदर। ये देखो मैंने दोनों पट्टियों पे सिलाई लगा दी, नीचे वाली पे भी और यहाँ ऊपर वाली पे भी, ठीक है। ये ऐसे ही खुला रहेगा, यहाँ पे हम टिक बटन लगाएंगे इसके, ताकि हमारा सर जा सके। अब इसकी हम साइडें बंद कर लेंगे। ये हम यहाँ साइडें बंद कर लेंगे यहाँ तक, और ये वाली भी हम यहाँ तक बंद कर लेंगे। ये हमने साइडें बंद कर ली इसकी, ठीक है। अब हम इसके दामन में पट्टी लगाएंगे, इसे इस तरह उल्टा रख लेंगे। ये पट्टी हमने काटी है यहाँ से, इस तरह मोड़ के इस तरह रख लेंगे और यहाँ पे हम लपकी सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने सिलाई लगा ली यहाँ पे, ठीक है। ये हम इसके चौक बराबर करेंगे। ये देखें यहाँ तक हमारे लंबाई बराबर हो रही है, और इस साइड पे भी इसी तरह हमारी यहाँ तक लंबाई बराबर हो रही है। और इसे हम इस तरह यहाँ से पकड़ के इस तरह सीधा कर लेंगे। ये हमारे पास बॉर्डर है, ये इसी सूट का बॉर्डर है, ठीक है। आपके पास ये बॉर्डर हो तो आप लगा दें, नहीं तो आप कोई अच्छी सी लेस भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसे हम यहाँ पे ये कच्चा छुपा देंगे इस बॉर्डर के नीचे, इस तरह रख के हम यहाँ पे लपकी सिलाई लगा लेंगे और यहाँ पे भी हम लपकी सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने बॉर्डर पे सिलाई लगा ली और इस साइड पे भी मैंने सिलाई लगा ली। बैक के दामन में फिनिशिंग दे देंगे।
ये हमने 2 इंच चौड़ी पट्टी काटी हुई है, इसे यहाँ से इस तरह मोड़ लेंगे और यहाँ पे इस तरह रख के हम यहाँ पे लपकी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ सिलाई लगाने के बाद हम इसे पट्टी को इस तरह सीधा कर लेंगे और यहाँ से मोड़ के यहाँ पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने पट्टी लगा दी, ठीक है। अब हम इसके चॉक्स में भी पट्टी लगा लेंगे। यहाँ से हम इसे इस तरह हटा लेंगे फ्रंट को और यहाँ से हम पट्टी को यहाँ से इस तरह मोड़ के और यहाँ से भी इस तरह मोड़ लेंगे। जो हमने सिलाई लगाई है इससे आधा इंच हम ऊपर रख लेंगे पट्टी को। इस तरह हम रख लेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे लपकी, ठीक है। यहाँ पे ला के आधा इंच बढ़ती हुई पट्टी हम यहाँ पे काट लेंगे, दामन से बढ़ती हुई कट्टी पट्टी लगा दी यहाँ पे और यहाँ से मैंने थोड़ी सी बढ़ती हुई पट्टी रखी है, ठीक है। अब यहाँ से इस तरह इसे मोड़ लेंगे और यहाँ से भी मोड़ लेंगे हम इस तरह रख के। हम इसे यहाँ पे लपकी सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने सिलाई लगा दी यहाँ पे, एक चौक हमारा तैयार हो गया। बाकी के 3 चौक भी हम इसी तरह तैयार कर लेंगे और आस्तीन में भी इसी तरह पट्टी लगा के हम तैयार कर लेंगे। ये मैंने 4 चौक में फिनिशिंग लगा ली, फ्रंट में भी और बैक में भी, और इसकी आस्तीनों में भी मैंने फिनिशिंग लगा ली, ठीक है। और इसकी आस्तीन की पट्टी हम तैयार करेंगे। ये बना हुआ है हमारा डिज़ाइन, ठीक है। इसी डिज़ाइन के हिसाब से हम इसे सिलाई लगाएंगे। यहाँ से हम इसे इस डिज़ाइन से मिला लेंगे और इस साइड पे हम इसे सिलाई लगा लेंगे और यहाँ पे हम इसी तरह नोक बना लेंगे, ठीक है। और इसकी दूसरी आस्तीन की पट्टी भी इसी तरह हम तैयार कर लेंगे। हमने सिलाई लगा के इसे सीधा कर लिया पट्टी को, ठीक है। इसे हम स्लिप पे लगा लेंगे। इसे यहाँ ऊपर से हम इसे 12 इंच पे निशान लगाएंगे। इस निशान पे हम इसे पट्टी को इस तरह रख लेंगे और यहाँ पे हम इसे सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली इसे, ठीक है। तो इसे हम सीधा कर लेंगे और ये जो हमने सिलाई लगाई है इससे हम थोड़ा सा ऊपर इस पट्टी को रख के यहाँ पे इस तरह थोड़ी सी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली, यहाँ पे मैंने पक्का कर दिया इसे, ठीक है। तो इसे हम आस्तीन को इस तरह डबल कर लेंगे और यहाँ पे हम इसे सिलाई लगा लेंगे और दूसरी स्लिप पे भी हम इसी तरह सिलाई लगा लेंगे। मैंने सिलाई लगा दी, इसे हम सीधा कर लेंगे, इसे हम कुर्ती पे लगा लेंगे। सिलाई लगा लेंगे ऑल राउंड, आस्तीन लगा ली हमने, ठीक है। इसे हम सीधा कर लेंगे। अब पहले हम यहाँ पे टिच बटन लगा लेंगे 3, ठीक है। 3 टिच बटन लगा लेंगे। टिच बटन लगाने के बाद हम इस पे बटन लगा लेंगे। ये बटन मैंने लगा दिए, कुर्ती तैयार हो गई।